नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। सिलगुड़ी में रविवार रात को एक दुस्साहसिक डकैती का घटना घटी। बंदूक के नोक पर लूट कर ले गए 10 लाख। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रविवार रात को सिलगुड़ी निवासी राजू अहमद के घर पर एक दुस्साहसिक घटना की मामला सामने आया है। रविवार रात करीबन 1 बजे हर रोज की तरह राजू अहमद अपने परिवार वालों के साथ खाना पीना खाकर सो रहे थे, तभी अचानक दरवाजा टूटने की आवाज से लगभग घर के सारे सदस्य जाग उठे। लेकिन जगकर भी उनके लिए करने का कुछ नहीं था, क्योंकि 10 से 15 लोगों की एक डकैत दल थे और जिनके हाथों में कई नुकीले हथियार के साथ साथ बंदूकें भी था। राजू अहमद या उनके परिवार वाले कुछ कहते या किसी को बुलाते इससे पहले ही डकैत दलों ने हवा में ही 2-4 राउंड फायरिंग भी कर दी। जान बचाने के लिए राजू अहमद के परिवार वालों ने चाबी के गुच्छे ही उन्हें समझा दिए। देखते ही देखते 4.5 लाख रुपए नगद के साथ साथ 5 से 6 लाख के सोने के गहने लेकर फरार हो गए। सूचना पाते ही कछार के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, घुंघुर पुलिस थाने की प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक डकैत के दल फरार हो चुके थे। साउंड हो रहा है, साउंड हो रहा है, चोर आया, चोर डकैत आया, तोड़ रहा है। बाहर में हमने सुना कि आवाज हो रहा है, तो मैंने साउंड किया, मतलब चोर आया, जोर से डकैत आया, मतलब गांव वालों को बुलाने की कोशिश किया। फिर देखा उधर से शीशा वो लोग तोड़ा। शीशा तोड़ने के बाद मैंने देखा कि घर में वो लोग दरवाजा तोड़ के घुस गया। फिर बाद में मैंने पीछे से मोड़ के उस दरवाजा से मैंने निकल गया। उसके बाद मेरा बीवी वो लोग को शायद चाबी भी दिया और अलमारी तोड़ा। उसके बाद में घर में जो था सब लेके चला गया, पैसा कौड़ी ऑर्नामेंट जितना था सब लेके चला गया। कितने लोग थे? अनुमानिक 10 से 12। उन लोग के पास क्या क्या हथियार क्या था? हम ऊपर ऊपर जब हम पूरा एकदम टेरिस में चला गया तो वहां से देखा कि बाहर से लोग जब हम लोग हल्ला किया तो वो लोग गेट के पास आ गया, सब आवाज देने दे रहा था। तो एक आदमी बाहर से एक फूक का आवाज किया, बंदूक का ठास 2 बार आवाज किया और गाली भी दिया, तो वो लोग भाग गया। तो बाहर एक आर्म्स वाला को देखा और अंदर में मतलब अच्छा से हम देख नहीं पाया। आपका कितना का नुकसान हुआ? 10 से 12 लाख रुपया सब। 10 से 12 लाख। और उसमें केस था या उसमें केस कुछ? था 4 लाख का ऊपर था केस। और बाकी सब ज्वेलरी था? ज्वेलरी था, रिस्ट वॉच था। रात का कितना बजे अनुमानी के घटना हुआ? 1 बजे। आपने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है? हाँ, पुलिस में मैंने कंप्लेन नहीं किया, मतलब जाएंगे तो गांव वालों ने फोन किया तो शायद एडिशनल एसपी आया था, उसके बाद में आपका सदर का ओसी आया था, फिर मेडिकल आउटपोस्ट का ओसी आया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मतलब हो गया है घर का? आपका घर का हो गया है? ठीक, सीसी कैमरा खंगालेगा वो लोग, हम डीवी बॉक्स लेके जाएंगे और एक्सपर्ट को बुलाएंगे वहाँ, तो वहाँ देखेंगे। कोई जख्मी आपका घर का कोई सदस्य? मेरा तो कोई जख्मी नहीं है, मेरा एक लड़का जो है वो भागने का टाइम में शायद ऊपर से झाप मारा था पाइप पकड़ के, उसका पैर में थोड़ा चोट आया है, थोड़ा चोट आया है। और मेरा बीबी का क्या है, अभी तक मैं भागती नहीं कर पाया अच्छा से। ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज भी सिलचर शहर में हड़ताल जारी रखे। लगभग 4 घंटे तक कछार जिला उपायुक्त कार्यालय को अपने घेरे में रखा। आलम यह भी हुआ कि पुलिस प्रशासन को विद्यार्थियों को हिरासत में भी लेना पड़ा। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते हुए सिलचर शहर में आज विद्यार्थियों ने फिर हड़ताल किया। लगभग 4 घंटे तक जिला उपायुक्त कार्यालय को घेरे में रखा। बाद में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से बैठक में निर्णय लिए जाने की भरोसा मिलने पर विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक समय के लिए हड़ताल को स्थगित रखा गया। इस बीच जिला उपायुक्त कार्यालय में विश्वविद्यालय के अधिकारी, कॉलेज की प्रिंसिपल एवं छात्र प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में कोई भी सुराहा नहीं हुआ, जिसके कारण गुस्साए विद्यार्थियों ने पुनः हड़ताल पर उतर आए। आलम ये भी हुआ कि पुलिस प्रशासन को मजबूरन में विद्यार्थियों को सामूहिक समय के लिए
हिरासत में लेना पड़ा। আমরা দেখুন আমি কই আমার পার্সোনাল আমি কই যে আমি চাই যে সব স্টুডেন্টরা যেহেতু আমরা অনলাইন এক্সামিনেশনের লাগি মানা হইছে না যে সব স্টুডেন্টরা গড় গিয়া পড়াটা এখন ঠিক কিন্তু এখন আমি সবরে তো বুঝাইতে পারতাম না সবে তো আমার কথা মানতো না সবরে তো আমি এখানে রাজি করাইতে পারতাম এখানে হাজার হাজার স্টুডেন্ট আছে সবে তো আমার কথা শুনতো না একজনে শুনবো দশ জনে শুনতো না তো এটা লেগে অনেক রকমের ঝগড়াঝাটি হইব অনেক রকমের বৃহত্তরভাবে আন্দোলন করবো শিলচরের মাটিতে আগুন জ্বলবো তারা আসাম ইউনিভার্সিটি চায় শিলচরের মাটিতে আগুন জ্বলতো তারা যদি চায় শিলচরের মাটিতে আগুন জ্বলতো জ্বলক আগুন আমরাও দেখতে পারি কতটুক আগুন জ্বলতে পারে আর আমরা কতটা প্রোটেস্ট করতে পারি স্টুডেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে না সব স্টুডেন্টসের রিপ্রেজেন্টেটিভ আসলাম আমি প্রতিনিধি আসলাম না আমি জাস্ট আমার রাইটসটা আমি জানাইছি সব স্টুডেন্টসের রাইটসটা আমি তুলিয়া ধরছি সব তো যেতে পারতো না এর লাগে আমি একলা একজন গেছি আর কি এটার মানে এটা না যে আমি স্টুডেন্টসের প্রতিনিধি আমার মূল ডিমান্ড হচ্ছে অনলাইন এক্সামিনেশন মানে ব্লেন্ডেড মোড এক্সামিনেশন তো বোথ অনলাইন আর অফলাইনে থাকতো আর কি ওইটাই হয়েছে ডিমান্ডটা না মানে লাগে তারপর এসওপি চেঞ্জ করতে এসওপি না না আসাম ইউনিভার্সিটির কথা হইলো আসাম ইউনিভার্সিটির কথা হইলো স্টেট গভর্নমেন্টে এসওপি চেঞ্জ করিয়া তারারই দিত কিন্তু তারার স্টুডেন্টসরা লেগে মানে আর কি কোনো এসওপি চেঞ্জ লাগে না তারা ডাইরেক্ট অনলাইন এক্সামিনেশন করাইতে পারবে প্রিন্সিপালরা ডাইরেক্টলি উঠে কইছে যে অফলাইন মোড যেহেতু যে যেহেতু অল্প প্রবলেম তারার অল্প প্রবলেম সামান্য প্রবলেম যেটা ওইটা হইছে গিয়া যেটা প্রবলেম তারা সামান্য প্রবলেম এটা হইছে গিয়া এত কম টাইমের মধ্যে মানে আর কি তারা এক্সামটা আবার অর্গানাইজ করতে পারতো না তে অলরেডি আমরা যখন লেট হয়ে গেছি অফলাইনে নিলে তারা কোনো প্রবলেম নাই অফলাইনে নিলে তারা কোনো প্রবলেম নাই তে যেহেতু অত লেট হয়ে গেছে যেহেতু অলরেডি এত লেট হয়ে গেছে দুই মাস লেট হয়ে গেছে আরো পনেরো দিন লেট হলে কিচ্ছু হইতো না আচ্ছা আজকে মিটিংয়ে কে কে আছে তারপরে ওই যে পুলিশ এখন লাঠিচার্জ শুরু করে দিছে পুলিশ এখন লাঠিচার্জ শুরু করে দিছে এখানে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে আজকে মিটিংয়ে কে কে ছিল আজকে আমরা টোটাল কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের প্রিন্সিপাল আসবো ডিসি কলেজের প্রিন্সিপাল আসবো রাধা মাধব কলেজের প্রিন্সিপাল আসবো জনতা কলেজের প্রিন্সিপাল আসবো কাবুগঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল আসবো সুনাই কলেজের প্রিন্সিপাল আসবো রাধা মাধব কলেজের প্রিন্সিপাল আসবো ওমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল আসবো সব কলেজের প্রিন্সিপাল কাছাড় কলেজের প্রিন্সিপালও আসবো আর বিএড আর ল কলেজের প্রিন্সিপালও আসবো মানে প্রিন্সিপালের কথা হইছে যেহেতু দুই তিন দিন বাকি এক্সামিনেশনের লেগে তারা চায় না যে এক্সামিনেশনটা মানে আর কি মানে আর কি অনলাইনে হইতো আর আমার কথা হইছে যেহেতু অতদিন লেট হয়ে গেছে দুই মাস লেট হয়ে গেছে আরও পনেরো দিন লেট হলে আমরা কোনো অসুবিধা নাই অলরেডি আমরা কেরিয়ারের মধ্যে মানে আর কি অলরেডি ফিসাই গেছি আমরা যে আমরা চাই যে আরও পনেরো দিন লেট হলে আমরা কোনো অসুবিধা নাই ব্লেন্ডেড মোডে এক্সামিনেশন হবে এটা কি আমি আমার আপনার নামটা কি আমার নাম বিজয়ন না ধোলাই কে কই পাহাড়ি ইলাকো মে অবৈধ রূপ সে জঙ্গলো কো জলায়া যা রহা হ্যা পাহাড়ো মে আগ ধধক রহে হ্যাঁ জঙ্গল মে রহ রহে জীবো কি आसियाना भी जलकर खाक हो रही है। आइए देखते हैं धोलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। धोलाई के पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध रूप से जंगलों को जलाया जा रहा है। जूम खेती एवं रेशा खेती करने के उद्देश्य से हजारों बीघाओं में फैली हरे भरे जंगलों को जला रहे हैं उपद्रवियों। पहाड़ों में आग धधक रहा है। भले ही वनकर्मी समय समय पर जंगल में गश्त लगा रहे हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इधर प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश जीवों के लिए घातक रूप ले रहा है। उपद्रवियों द्वारा ऐसे करने से वन्य जीवों के आसियाना भी जलकर खाक हो रहा है। इन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया है सेफ ने सोसाइटी ऑफ एक्टिविटीज फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। कड़ी सुरक्षा के बीच नेतृत्व में रखी गई है ईवीएम मशीनें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं आईआरबी बैटालियन तैनात किए गए हैं कड़ी सुरक्षा के लिए। आज यह जानकारी देते हुए कचहा जिला उपायुक्त कृति जल्ली ने कही कि नेट्रिप में ईवीएम मशीनें पूरी सुरक्षित है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। ऑफ पोलिंग कैंडिडेट्स एंड ऑनरेबल ऑब्जर्वर्स एज वेल सारे स्ट्रांग रूम्स एज यू आर अवेयर नेट्रिप में रहेंगे। इसका प्रोटेक्शन एक थ्री कॉर्डन फॉर्मेट में रहेगा। एक इनमोस्ट कॉर्डन सीआरपीएफ का देन स्टेट पुलिस का और फिर हमारा मजिस्ट्रेट्स का। हाउएवर पोलिंग कैंडिडेट्स कैन गो लुक एट द सीसीटीवी फुटेज पीरियोडिकली टू एंश्योर कि वो सेफ है सिक्योर है एंड पोल्ड ईवीएम्स का सैंक्टिटी है। Firstly, I also thank media and especially all the teams that have been working. Almost pura mahina hum din raat kaam kar rahe the and very well performance of each cell. Hamari sweep has been a good success. Hamari
initiatives have also been appreciated. ये केले गाछ जिसका ऊंचाई मात्र एक हाथ, लेकिन केले गाछ से निकल आए हैं 9 फूल। फूल यानी जिससे केले की छड़े यानी केले की घार निकलती है। मात्र एक हाथ की केले के गाछ से केले के 9 छड़े निकलना अपने आप में ये अविश्वसनीय घटना का गवाह बनने के लिए सोमवार को दक्षिण धोलाई के शामचरण गांव में जहीरुद्दीन के घर पर भीड़ जमा हो गई। मानो कि लोगों में इस दृश्य देखने के लिए अफरा तफरी मच गई। आइए देखते हैं धोलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। কটা তুলিছে সকালে গণিছি আমি 9টা এখন 6টা গাছ কত নোচ হইব গাছটা কত নোচ হইব না বা কি করব আলিক টাইম নি আদা তো আদা তো আদা আদা কোনদিন আপনি দেখুন কোনদিন দেখুন আপনি ক্যামেরা বাস সামনে তো দেখুন কোনদিন ক্যামেরা বাস धनरी में हुई चुनावी हिंसा के दौरान घायल लोगों से सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मिलने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी आशीष हल्दार। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग एवं कछार जिला प्रशासन से निरपेक्ष जांच की मांग की। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি আপনি কিছু বলতে চান? দেখুন, এই ধনেহরির সোনাইয়ের যে ঘটনাটা, এটা আমি বলবো যে শুধু সোনাই নয়, পুরো আসামের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা কালো দিন, কালো অধ্যায়। নির্বাচনে টুকটাক মারামারি, হাতাহাতি, এগুলোর ঘটনা সবসময়ই ঘটে থাকে, কিন্তু নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে এরকম গুলি এবং সাধারণ জনসাধারণের উপরে গুলি চালনা, এটা সত্যিকারে ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমি তীব্র ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা জানাই এবং নির্বাচন কমিশন একটা স্বতন্ত্র বডি, আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আমি অনুরোধ জানাই, নির্বাচন সুস্থভাবেই হয়েছে, সুন্দরভাবে হয়েছে, কিন্তু এই যে ঘটনাটা, এই ঘটনাটা ন্যাক্কারজনক, এটা এটা নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার। আমি অ্যাপিল করব নির্বাচন কমিশনের কাছে, এটা জেলা প্রশাসনকে দিয়ে নয়, স্বতন্ত্রভাবে NIA হোক বা অন্য কোনো সংগঠন দিয়ে হোক, যেটা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হোক এই ঘটনার, যারাই দায়ী এই ঘটনার জন্য যেই যে পদে থাকুক না কেন, যদি কেউ দোষী থাকে, এরকম সাধারণ মানুষের উপরে যদি অত্যাচার এরকম হয়ে থাকে, হয়েছে, কিন্তু কারা দোষী তাদের সঠিকভাবে তদন্ত করে তাদের শাস্তির আমি অনুরোধ রাখি নির্বাচনের। দুলাবচড়ামে স্থিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে जो ग्राहक हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से दुर्लभचौड़ा में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मात्र 3 कर्मी ही कार्यरत हैं, जिसके कारण रोज सैकड़ों ग्राहक बैंक में हाजिर तो हो रहे हैं लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। मात्र 3 कर्मी सभी का कार्य करने में सक्षम नहीं है। स्थानीय की तरफ से विभागीय जो अधिकारी हैं उनके पास बैंक में कर्मी बढ़ाने के लिए कई बार मांग रखी गई, यहाँ तक कि स्थानीय नेता मंत्री को भी कहा गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। हमारे इस खबर के माध्यम से स्थानीय लोगों ने पुनः एक बार विभागीय अधिकारियों के पास अपना दुखड़ा सुनाने की कोशिश की है। सिलचर में आरंभ हो गया रिडक्शन सेल। आमतौर पर ये रिडक्शन सेल बंगला शुभ नववर्ष के 15 दिन पहले से सिलचर शहर में लगाया जाता है। इस दौरान ग्राहकों को बहुत कम दाम में कई सामान मिल जाते हैं और कम दाम में सामान पाने के चक्कर में सिलचर में ग्राहकों की भीड़ जुट रही है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। खूब खराब मानुष नाई मार्केटे खराब খারাপ লকডাউনে পুলিশও খেদাই সবদিকে খালি এখন গিজারি। ঠিক আছে,
नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।